हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे न्यू मून गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू। 19 मई टॉरस में होने जा रही है एंड 3 कलर की हर्ट है। इंट्यूटिवली एक कलर को आप पिक करें। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है। एस्ट्रोलॉजी टैरोट रिकॉर्डिंग, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी न्यू मून गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। टॉरस में होने जा रही है न्यू मून 19 मई को। सो टॉरस इज़ वेरी मतलब यू नो लॉन्ग टर्म में बहुत कमिटेड, बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत ड्यूटीफुल एनर्जी। कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना हो, कोई रिलेशनशिप में हो, फ्रेंडशिप मान लीजिए जो लॉन्ग टर्म तक रहे, चिरकाल तक लाभ दे। ओके, चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू ग्रुप नंबर 1। मैं इन में देखूँगी स्प्रिट क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। ओके, थोड़ी कार्ड से देखते हैं ग्रुप नंबर 1। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। ओके, थैंक यू ग्रुप नंबर 1 न्यू मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। ओके, थैंक यू ग्रुप नंबर 1 न्यू मून गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। Thank you. Group number 1, new moon, blessings and guidance. Thank you. आपकी एनर्जी में बहुत डिस्ट्रैक्शन है, जैसे आप बहुत मतलब कोई चीज़ ख़त्म नहीं कर पा रही, चीज़ें पेंडिंग हो रही है, या फिर आपकी हेल्थ इशू चल रही है करंट टाइम फ्रेम में। थैंक यू, देखते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1 न्यू मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। ओके, थैंक यू। फाइनल मैसेजेस देखते हैं। ओके, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। ओके, ग्रुप नंबर 1, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। कुछ व्यूअर्स के साथ हेल्थ इशू चल रहे हैं करंट टाइम फ्रेम में, और कोई पास्ट हेल्थ इशू फ्रेश होकर फिर से यहाँ पर एक नई और एक स्टार्ट से शुरू हो चुकी है। जैसे पास्ट में ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी थी, बट फिर से कुछ स्टार्ट हुई है हेल्थ इशू। ओके, देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू ग्रुप नंबर 1 न्यू मून गाइडेंस। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। आपके लिए मेन मैसेजेस देखते हैं। माउंटेन, आपकी लाइफ में मतलब ऑब्स्ट्रगल तो चल रही है। माउंटेन का मतलब ही है ऑब्स्ट्रगल, बहुत सारा ऑब्स्ट्रगल के बीचों बीच आपको जैसे बहुत मुश्किल से लाइफ सर्वाइव आप कर रही है। बट माउंटेन जब भी आती है इसका मतलब इम्तहान लिया जा रहा है। बट स्प्रिट की कुछ प्लान है, जो जैसे स्प्रिट आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि कितना देर तक आप बर्दाश्त कर पाते हैं। एंड अगर आप पास हो जाते, जैसे बहुत बड़ी कुछ आपके लिए होंगे। मैं देखूँगी माउंटेन एंड लुक एट दिस, जैसे बहुत सारे लोगों की कुछ शब्द भी आपको बहुत चुभ रही हैं। एंड अनएक्सपेक्टेड, मतलब आप सोच भी नहीं पा रहे कि वो पर्सन आपके लिए इतना दिल में इतना गुस्सा पाल कर रखा था। इस टाइप की थॉट पैटर्न उनके थी, जैसे कुछ सडन कुछ किसी की वॉइस, किसी की शब्द से आपको चोट पहुंच रही है, या फिर पास में ये होती आ रही है ये सिलसिला। देखते हैं न्यू मून, दिस इज़ फुलफिलमेंट। मैं आपको पहले बोल रही थी ना, जब माउंटेन कार्ड को देख कर ही भाई सर थी कि अब लंबी रेस की घोड़ा है। कहीं ना कहीं इम्तिहान लिया जा रहा है, टेस्ट लिया जा रहा है, आपकी पोटेंशियल कैपेबिलिटी कितना है उसका टेस्ट। फुलफिलमेंट, कोई विश फुलफिल होने जा रही है न्यू मून के साथ, विद दिस एंसेस्ट्री एंड विद दिस लव।
आपकी मेन जो ब्लेसिंग साड़ी है, आपकी पूर्वज आपके एंसेस्टर की तरफ से, जैसे आपकी लाइफ में कोई हेल्पफुल पीपल वो सेंड करना चाहते हैं ताकि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो ऑब्स्टकल वो रिमूव हो। ज़रूरी नहीं सिर्फ पार्टनर की बात हो रही है, आप मान लीजिए कोई लीगल इशू में फंसी हुई है, आपको कोई ऐसे लॉयर मिल जाए, कोई ऐसे एडवाइस, प्रॉपर एडवाइस देने वाले कोई ऐसे पर्सन, कोई फिलोसोफर गाइड मिल जाए जिसकी वजह से आप करंट प्रॉब्लम सिचुएशन से धीरे धीरे आप बाहर चले जाए। बट आई डोंट नो, आपकी जो एनर्जी आ रही फैमिली रीयूनियन, कुछ व्यूअर्स के अगर आपकी भाई बहन कोई पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है, शायद वो लौट कर आ रहे होम टाउन होम सिटी में लौट कर आ रही है, आपको थोड़ी एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स लेना भी ज़रूरी है। उनके नाम पर एक घी के दिया हर दिन, जब तक मतलब खासकर अगर कुछ सच में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, मैं फंस चुकी है बाहर नहीं जा पा रही है, तो हर दिन एक दिया उनके नाम पर जलाइए। बट आपकी लाइफ में लव रिगार्डिंग एक फुलफिलमेंट आने जा रही है, बहुत देर से चीज़ें शायद रुकी हुई है आपकी लाइफ में, दैट्स वाई द माउंटेन कार्ड हियर। ओके एंड विद दिस हीलिंग कैनवास, ओके माउंटेन एंड हीलिंग कैनवास, लुक एट दिस, जैसे इस माउंटेन में ही ऑब्स्टकल है, ये ऑब्स्टकल नाउ कम डाउन हो रही है, हील हो रही है, सेटल हो रही है सिचुएशन। आपकी लाइफ में जैसे टॉर्नेडो चल रही है नो, एंड नाउ टाइम आ चुकी है कि उसको आप धीरे धीरे सेटल किया जाए, मतलब प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, वो टाइम आ चुकी है। विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट रेसिप्रोकेट हो रही है एनर्जी कुदरत के साथ, कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी बॉस हो सकते हैं, अथॉरिटी हो सकते हैं, लंबी टाइम से आपको प्रमोशन की इंतजार थी, उस जगह पर भी सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं। नेक्स्ट विद द स्ट्रेंथ कार्ड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मुझे हेल्थ रिगार्डिंग भी एक इशू नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, जैसे यू नो कुछ एनर्जी और आपकी ऑरा में कुछ एनर्जी वैम्पायर्स थे जो धीरे धीरे, कभी कभी होता ना कुछ नेगेटिव एनर्जी आसपास होते हैं जिसकी वजह से आपके काम रुक जाते हैं। मैं स्पेल की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मतलब कभी कभी होती एनर्जी में नेगेटिव एनर्जी चले आते हैं, आप किसी ऐसे जगह पर गई हो जो, या फिर ऐसी किसी चीज़ को आप छू बैठे हो जो शायद किसी ने मान लीजिए अपने घर को क्लीन की है, खासकर लेमन मिर्ची एक साथ यू नो पड़े हो सड़क पर, उसको मतलब टच नहीं करना चाहिए ऐसा कहा जाता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नेगेटिव एनर्जी हम खुद से ही घर में लेकर चले आते हैं, तो somehow with this strength card जैसे यू नो आप उस चीज़ से आप धीरे धीरे बाहर आ रही है, वो बीस्ट को आप नाउ आप कंट्रोल कर पा रही हैं। विद दिस किंग ऑफ कप्स एंड द मून एनर्जी, आपके इमोशंस अब मतलब जितना हाई थे वो धीरे धीरे किंग ऑफ कप्स जहाँ पर मौजूद है एक कंट्रोल करेंगे। बहुत देर तक शायद आप किसी पर्सन के लिए हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, किसी पर्सन के लिए इतना ओवर थाट पैटर्न आपकी थी, नाउ वो धीरे धीरे विद द स्ट्रेंथ कार्ड आप समझ गई हैं कि एक कंप्लीटली वेस्ट हो रही मेरी एनर्जी। तो बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड समझदारी की बात करी है यहाँ पर, तो आपकी एनर्जी में सिक्स ऑफ पेंटिकल्स समझदारी दुनियादारी बहुत आ रही है जो पास्ट में शायद नहीं थी, दैट्स वाई हीलिंग कैनवास एंड मून। पास्ट में बहुत सारे लोगों ने आपके इमोशंस के साथ खेला है, एडवांटेज ली है, नाउ आप किंग ऑफ कप्स यहाँ पर मौजूद है, मैच्योर है आप। बट कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है कि विद दिस सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स कोई मेल फिगर जो उनमें इम्पर्मनेंट एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ऐसे किसी पर्सन आपके पास यू नो अपने लव का इजहार करना, प्यार का इजहार करना, खासकर मेल फिगर फेमिनिन एनर्जी में है, वेरी सॉफ्ट, वेरी सेंसिटिव, वेरी हम्बल, इमोशनली बैलेंस पर्सन। ओके लेट्स सी, फर्स्ट लीव योर यूजुअल सोशल सर्कल बिहाइंड, सीक आउट द ट्रू कंपेनियन। यस, जो आपको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, ऐसे कंपनी में आप रहिए जो आपको डिमोटिवेट करते हैं विद दिस मून में, इसलिए आपको बोल रहे थे बहुत सारे लोगों के शब्द आपको चुभ रही है, तो थोड़ी हेल्दी बाउंड्रीज लगाइए, क्योंकि खून का रिश्ता मच्छर के साथ भी होती है, तो जो जिनके साथ दिल के रिश्ता होते हैं उनके साथ रहिए माय डियर। फ्लेम्स ऑफ डिज़ायर, लेट देम साइन आउट इन रेडियंट लाइन एंड सन एंड डार्क पाथ्स। आपकी लाइफ में फिर से पैशन आ रही है माइंड, या फ्लेम्स ऑफ डिज़ायर मुझे दिखाई दे रही है, दैट्स वाई लव कार्ड हियर, पैशन। आप शायद थर्ड पाइल के साथ भी थोड़े अट्रैक्टेड थे, ग्रुप नंबर थ्री, आपकी लाइफ में पैशन आ रही है, लव आ रही है, वाइल्ड पैशन आ रही है, एंड लुक एट दिस, इस आइज को देखिए, वेरी सेडक्टिव एनर्जी। ओके लेट्स सी, थैंक यू। With this in the flow, everything is smooth sailing. मैं आपको बोल रही थी जो चीज़ें रुकी हुई थी, अटक से गई थी, आप धीरे धीरे स्मूथ सेलिंग का मतलब आप एफर्टलेसली वो चीज़ें बनता हुआ आप देखेंगे। ओके लेट्स सी स्प्रिट क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। ओके थैंक यू। ग्रुप नंबर वन,
ओके यहाँ पर है स्पिरिट के कुछ मेन मैसेजेस, यहाँ पर है मेन ब्लेसिंग्स एंड कुछ रिचुअल्स आपके लिए. ओके मैं पढ़ती हूँ यहाँ पर. बिलीव इन योर सेल्फ 100% एंड सून अदर विल बिगिन लुकिंग टू यू एज ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन. कहने का मतलब है जो खुद पर भरोसा करते हैं, जो खुद को लेकर कॉन्फिडेंट है, नाज करते हैं, सारी दुनिया भी उनको लेकर नाज करते हैं. लोग आपको, आपकी स्टोरी को देखकर वो इंस्पायर होंगे. यू आर ए मास्टर ऑफ टाइम मैनेजमेंट. टाइम, मैं हमेशा कहती हूँ कि समय चला जाए तो समय को आज बर्बाद करेंगे, एक दिन समय आपको बर्बाद करेंगे. तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ रिचुअल्स की बात करते हैं. एंड और एक मैसेज है, एलिमिनेट गॉसिप, रिलीज सेल्फ जजमेंट. रिलीज सेल्फ जजमेंट का मतलब खुद को लेकर, खुद की वर्थ वैल्यू को लेकर जजमेंट क्रिएट ना करें. आप जो है बेस्ट है, परफेक्ट, अपनी जगह पर एकदम सही है. एंड एलिमिनेट गॉसिप, मैं इसीलिए आपको बोली थी एलिमिनेट गॉसिप कि बहुत ज़्यादा लोगों की मुँह की शब्द तांडव की वजह से आप अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा यू नो सेल्फ सबोटेज में रहते हैं कि शायद मैं ठीक नहीं हूँ, गलत हूँ, मैं ऐसे दिखने में हूँ, मेरा चेहरा ऐसा है, हर चीज़ को लेकर आप एक सेल्फ जजमेंट आप क्रिएट करते हैं. डोंट डू दिस. कुछ रिचुअल्स की बात करते हैं. क्लीन योर स्पेस, जहाँ पर आप हैं, सेज लीव से हो, अगरबत्ती से हो, या फिर घर में बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ें हैं, कुछ आप यूज़ भी नहीं करते, उस चीज़ को इकट्ठा करके रखी है, जस्ट क्लीन दिस. जितना स्पेस खाली रहेंगे एनर्जी पॉजिटिव होंगे. यूज़ हर्बल प्रोडक्ट्स. आई डोंट नो बट ये मैसेज आई थी सबकॉन्शियस माइंड से, दैट्स व्हाई मैं आपको मतलब लिखी थी यहाँ पर. यूज़ हर्बल प्रोडक्ट्स, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, खाने के लिए हो, मतलब खासकर चाय वगैरह आप पीते हैं तो यहाँ पर हर्बल टी, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें. मंत्र जाप, आप, मैं यहाँ पर पर्टिकुलर कोई मंत्र का जाप, मतलब मंत्र के यहाँ पर नाम मेंशन नहीं करी हूँ, बट मंत्र जाप सबकॉन्शियस माइंड से आई थी, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर लिखी. मंत्र जाप करें. जॉब करते थे पहले आप, साथ करते थे, आप बिजी हो चुके, नहीं करते हैं, ब्रेक हो चुके, डोंट डू दिस. डेली बेसिस में उसको फॉलो करें. एंड जर्नल सेटअप. तो ये चार रिचुअल्स यहाँ पर आपके लिए हैं. एंड मेन ब्लेसिंग्स में कम्युनिकेशन है. पर्सनल इशू विल बी रिजॉल्व. मेन है कुछ पर्टिकुलर ऐसे कोई पर्सन से या फिर ऐसी कोई जगह से कम्युनिकेशन जो आपके लिए ब्लेसिंग्स होंगे. दूसरी है पर्सनल लाइफ में कुछ इशू चल रही थी विद दिस मून एंड किंग ऑफ कप्स, इस जगह पर भी वो ब्लेसिंग्स है. पर्सनल इशू आपकी रिजॉल्व होने जा रही है. ओके किसी पर्सन के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ हो तो वो रिजॉल्व होने जा रही है. सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर वन. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे. गॉड ब्लेस यू. वेलकम ग्रुप नंबर टू. लेट्स सी न्यू मून गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स आपके लिए. मैं इनमें देखूंगी आपके लिए क्या स्प्रिट मैसेज यहाँ पर देना चाहते हैं. लेट्स सी, न्यू मून टॉरस में होने जा रही है. टॉरस इज वेरी फिक्स सन, राइट? सो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना हो, फ्रेंडशिप हो, फैमिली रियूनियन पार्टी सेलिब्रेशन हो, इसके लिए हम टॉरस को जानते हैं. बट टॉरस की पर्सन बहुत ड्यूटीफुल, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो रहे, लिटिल बिट स्टेबन, लेजी, बट यस, टॉरस का मतलब ही है कि वो वचन निभाएंगे, यू नो. सो यहाँ पर थोड़ी लॉन्ग दीर्घ चिरकाल तक लाभ थे, ऐसे कोई काम बनता हुआ यहाँ पर आपके लिए होंगे, चाहे वो आपकी कार्य क्षेत्र से हो, वर्क फील्ड से हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में. लेट्स सी ग्रुप नंबर टू. थैंक यू, थैंक यू. देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए. ग्रुप नंबर टू, न्यू मून ब्लेसिंग्स. थैंक यू. ओके ग्रुप नंबर टू. थैंक यू. न्यू मून गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स. ओके थैंक यू. न्यू मून गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स वन टाइम मोर. मुझे लवर्स कार्ड दिखाई दे रही है. ओके रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव एक मैसेज आने जा रही है. ओके थैंक यू. ग्रुप नंबर टू. थैंक यू. ओके ग्रुप नंबर टू. गाइडेंस, न्यू मून गाइडेंस. थैंक यू. देखते हैं क्या गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स है. न्यू मून एनर्जी.
मैजिकल मैप शिफ्टर फर्स्ट जो मेजर एनर्जी आई है मैजिकल मैप शिफ्टर का मतलब कुछ चेंजेस आ रही है एंड मैजिकली हो रही है एंड बहुत ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है बट फिर भी ये चेंज आपके लाइफ में आ रही है, कुछ मैजिकल कुछ मिराक्यूलस चेंजेस की बात हो रही है। नंबर 7, कुछ व्यूअर्स के लिए लुक एट दिस, आँखें बंद हैं, जैसे बहुत टाइम से किया गया कोई मैनिफेस्टेशन आप सरेंडर कर चुके हैं, वो लौट कर आ रही है, वो विश फुलफिलमेंट की तरह से वो लौट कर आ रही है। मैजिकल मैप शिफ्टर एक गेम चेंजर की जैसे एनर्जी आ रही है, जैसे एक ऐसा पर्सनालिटी जो गेम को पूरी पलट सकते हैं। कभी वो कहते हैं ना कि वो पर्सनालिटी गेम चेंजर के जैसे रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, तो ये मैजिकल मैप शिफ्टर में जो पर्सनालिटी दिखाई दे रही है गेम चेंजर की जैसे है। थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं तो यहाँ पर और क्लियर होंगे। थैंक यू फायरफ्लाई। ओ दिस ओंडर अगेन सरप्राइज हियर द मैजिकल एंड फायरफ्लाई ओंडर। ओके थैंक यू एंड विद दिस गुड लक ग्रुप नंबर 2। ओके जब चेंज की बात होती है तो हम थोड़ी उस जगह पर भी सोचते हैं चेंज अच्छे के लिए है या फिर बुरे के लिए है, राइट? बट दिस डेफिनेटली एक सरप्राइज है ओंडर फायरफ्लाई जो गुड लक लेकर आ रही है एंड डेफिनेटली ये फाइनेंस की मैटर में भी बहुत पॉजिटिव मैसेज लेकर आ रही है गुड लक, क्योंकि यहाँ पर मुझे गोल्ड कॉइन कुछ व्यूअर्स यहाँ पर विदेश, क्योंकि फॉरेन कॉइन मुझे फॉरेन करेंसी दिखाई दे रही है, तो कुछ व्यूअर्स यहाँ पर हो सकते हैं कि शिफ्टर का मतलब एक रिलोकेशन चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पर। ओके देखते हैं, बट ये जो चेंज आपकी लाइफ में आने जा रही है ये पॉजिटिव मूवमेंट है, पॉजिटिव चेंज है। विद दिस स्टैंड स्टिल कोई चीज़ें जो लंबी टाइम से रुकी हुई है एंड आप वेट कर रही है उस चीज़ के लिए, स्टैंड स्टिल चीज़ें रुकी हुई है एंड विद दिस प्रोटेक्शन मतलब हो सकता है कि आपको रोकना मतलब एक ट्रेन आपसे छूट गई है, अचानक से आप बहुत भाग रही थी ट्रेन छूट गई एंड आपको लगा कि सब कुछ ख़त्म, वो ट्रेन में ही अगर आप चले जाते तो इंटरव्यू में आप पहुँच जाते, आप पास हो जाते, बाद में जाकर पता चला वो ट्रेन एक्सीडेंट कर चुका है। सो दिस इज़ एन स्टैंड स्टिल एंड प्रोटेक्शन, आप रुकी है उसके पीछे कारण है बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि वो लड़का रिजेक्ट कर दिया, बट क्या पता कल को आप शादी होती तो वो पर्सन के साथ आपके डिवोर्स हो जाते। कुछ इस टाइप की सिचुएशन जब हो रही है मतलब आपकी लाइफ में वो टल जाए, दैट्स वाई स्टैंड स्टिल, आप रुकी हुई, आपको रोका गया, जैसे यू नो आप देखते ना ट्रैफिक सर्जन को कि वो एक साइड में ओपन करे दूसरी साइड को रोक कर रखता है ताकि एक्सीडेंट ना हो, तो मुझे एग्जैक्टली आपकी लाइफ में वही एनर्जी आ रही, जैसे आपको रोक कर रखा गया ताकि एक्सीडेंट ना हो, बिकॉज यू आर हाईली प्रोटेक्टेड, यू आर डिवाइनली गाइडेड एनर्जी। ओके लेट्स सी 10 of Swords स्टैंड स्टिल एंड 10 of Swords विद दिस 8 of Wands। कोई केज्ड मोमेंट से बहुत पीड़ा पहुंच रही है, बहुत हार्ट ब्रेक मोमेंट है, तकलीफ हो रही है, क्राइंग बैडली नाउ शिफ्ट एंड लुक एट दिस किस तरह से क्रो एक डॉक्यूमेंट्स एक लेटर लेकर आ रही है कि फसल यू नो काटने के समय आ चुकी है। दिस इज सेड हियर। ओके एंड मूवमेंट है 8 of Wands एंड मैजिकल मैप शिफ्टर विद दिस 6 of Wands नेक्स्ट विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके वचन टॉरस जिसमें न्यू मून होने जा रही है, देखिए ये जो शिफ्ट चेंजेस लेकर आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी प्रमोशन के लिए कुछ गुड न्यूज़, या फिर मान लीजिए आप एक जगह पर किसी सिचुएशन में स्टैंड स्टिल कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में आप एकदम से पॉज्ड हैं, वो मूवमेंट वो स्टार्ट हो, वो गड्डी स्टार्ट हो गई यू नो वो चलने शुरू हुई एंड ये विक्टोरियस एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, आपकी लाइफ में विक्टोरी लेकर आ रही है, आप स्टेबल है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। कुछ व्यूअर्स के लिए मैं बोल रही थी न्यू बिजनेस स्टार्टअप बिजनेस यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, दूसरी क्लिनिक ओपन यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि एक ये स्प्रेड हो रही है चीज़ें विद द साइट ऑफ 1 6 of 1 स्प्रेड हुई चीज़ें, आपका ब्लू प्रिंट यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रही है या फिर उसके लिए आप एक्शन ले रही है, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटेकल जहाँ पर मौजूद है वेरी मच स्टेबल एनर्जी, वेरी डेडिकेटेड डिवोशन के साथ हम क्वीन ऑफ पेंटेकल्स को देखते हैं, आपकी हार्ड वर्क पेड ऑफ हो रही है विद दिस गुड लक। मुझे बच्चे दिखाई दे रही है, लुक एट दिस क्वीन के साथ 4-5 यहाँ पर बच्चे दिखाई दे रही है क्वीन की, तो ये फर्टाइल प्रोटेक्टिव एनर्जी की बात कर रही है, कुछ क्रिएट करना, कुछ नहीं कुछ स्टार्ट करना, बहुत टाइम से रुकी हुई थी चीज़ें स्टैंड स्टिल, मान लीजिए वीजा नहीं मिल रही थी विद द 6 of Wands वीजा नहीं मिल रही थी, कुछ गवर्नमेंट से कुछ अप्रूवल की ज़रूरत है, आई डोंट नो वो चीज़ें आपको, बिकॉज क्वीन भी एक अथॉरिटिव एनर्जी है, वो चीज़ें पास होगी, वो क्लियर होगी वो ब्लॉकेजेस। ओके देखते कुछ व्यूअर्स के लिए एक कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है। ओके स्टेइंग फोकस्ड होल्ड द कोर्स। ओके एक बहुत
मतलब पॉजिटिव मैसेज आई है कि अभी करंट टाइम फ्रेम में रिजेक्शन नहीं है, तकलीफ है, होल्ड ऑन, इट विल मेक सेंस वन डे, होल्ड ऑन। सो जर्नी पर फोकस करें, मंजिल भी आपको मिल जाएंगे, तो एंजॉय एवरी मोमेंट माय डियर, स्टेइंग फोकस्ड। आप मतलब आपको कहा जा रही है जो आपका प्लान है उससे हटिए मत, बिल्कुल स्टेडी रहिए। हो सकते थोड़ी आप हड़बड़ी हो रही है, थोड़ी पैर फिसल जा रही है, थोड़ी आप दो कदम पीछे आ रही है, डोंट वरी अबाउट इट। आज दो कदम पीछे आ रही है, एक टाइम में ऐसा होगा आप एक साथ में 10 कदम आगे चल जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, योर सोशल सर्कल बिहाइंड, सीक आउट ट्रू कंपेनियंस। आजकल सोशल मीडिया में, वर्चुअल वर्ल्ड में हम इतनी बिजी रहते हैं, मतलब माँ खाना बनाकर बैठी है, वो पूछ रही कि खाना कैसे हुई, वो भी टाइम नहीं है बोलने की, क्योंकि सोशल मीडिया में FB में कितना लाइक्स आए पोस्ट में वो हम देखते हैं। जब वो नहीं होते हमें एहसास होती है कि क्या गवाया, क्या खोया है हमने लाइफ में। सो, एक चीज़ों का यहाँ पर ख़ास ख्याल रखिए, जो आपके अपने हैं सोशल मीडिया अपनी जगह पर है, वो एक टाइम फ्रेम है, तो हर चीज़ के लिए एक टाइम फ्रेम है, तो आपकी एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। एंड एक ऐसे पर्सन की कंपनी आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको ताने नहीं मारते, आपकी आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को लेकर वो सवाल नहीं उठाते हैं, जजमेंट क्रिएट नहीं करते हैं। एंड लुक एट दिस, जैसे ए वुल्फ बहुत शांति से बैठे हुए, क्योंकि ऊपर कोई और एक वुल्फ बैठा है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, गार्ड, सारी नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए प्रोटेक्शन, एंड इस कार्ड को देखकर मुझे वाइब्स आ रही है, आपके लाइफ में कोई ऐसी पार्टनर हो सकती है, आने जा रही है, जो ट्रूली आप फील करेंगे कि जिसकी कंपनी में आप बहुत सिक्योर्ड हैं, एंड बहुत पीसफुली आप रह सकते हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हैं, कुछ व्यूअर्स के लिए। सो डोंट गिव अप माई डियर। ओके, देखते हैं आपके लिए स्पिरिट के क्या मैसेजेस हैं। ओके ओके, यहाँ पर कुछ स्ट्रेट मैसेजेस है स्प्रिट की, यहाँ पर कुछ रिचुअल्स है न्यू मून की, एंड यहाँ पर मेन ब्लेसिंग्स है आपके लिए। ओके, मैं पढ़ती हूँ यहाँ पर। सीक टू नो द ट्रूथ, किसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, सच्चाई को देखे, हर सिक्के की दो पहलू होती है, क्लियरली पूरी पिक्चर को देखे, देन डिसीजन ले। रिलिंक्विश द नीड टू चेंज अदर्स, रियल लव इज एक्सेप्टिंग अदर पीपल द वे दे आर विदाउट ट्राइंग टू चेंज देम। इसका मतलब है जो पर्सन जैसा है उसको उसी की तरह से एक्सेप्ट करे, उसको बदलने की कोशिश ना करे, सबका अपना अपना अर्थ मिशन है। आपके लिए कुछ रिचुअल्स न्यू मून में, गो आउटसाइड, कुछ व्यूअर्स के लिए ये थोड़ी वेदर चेंज, थोड़ी आप पार्क में जाइए, जैसे एक जगह पर कैद है, लाइक टेन ऑफ शोर्स। वॉकिंग मेडिटेशन, बिल्कुल आप नेचर के बीच थोड़े टाइम स्पेंड करें। लिसन सॉफ्ट म्यूजिक, ऐसा म्यूजिक सुनिए, कोई भक्ति गीति हो, कोई ऐसी भजन संगीत हो, या फिर जो पसंद है आपके टेस्ट पर, बट ऐसा म्यूजिक ना सुने जो आपको रुलाता है, तकलीफ को बढ़ा देते हैं। सेज स्मोक, ओके, फीट बार्स, बार्स को फीट करवाए, हाइड्रेट योर बॉडी, बॉडी में वाटर एलिमेंट बैलेंस होना ज़रूरी है। आपके लिए मेन ब्लेसिंग्स में ट्रैवल है, आई डोंट नो, मतलब मैं ये तो सबकॉन्शियस माइंड से मैं इसको लिखी थी, बट आपके लिए बहुत ट्रैवल कार्ड आई है। जर्नी, रिलोकेशन, फ्रेंडशिप, स्टार्ट न्यू बिजनेस। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर टू, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर थ्री, लेट्स सी न्यू मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। यहाँ पर स्पिरिट के कुछ मैसेजेस है, कुछ गाइडेंस, रिचुअल्स एंड मेन ब्लेसिंग्स है, मैं एंड में देखूंगी। न्यू मून टॉरस में होने जा रही है 19 मई को, एंड टॉरस बहुत रेस्पॉन्सिबल, ड्यूटीफुल एनर्जी है। आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट हो, मैरिज हो, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, जो चिरकाल तक लाभ दे, ऐसी कोई चीज़ें इस टाइम फ्रेम में होने की पॉसिबिलिटी है। ओके, लेट्स सी, थैंक यू, देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू ग्रुप नंबर थ्री। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइड डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर थ्री, न्यू मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस, थैंक यू, देखते हैं, थैंक यू। थैंक यू ग्रुप नंबर थ्री, आपके लिए एंसेस्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंसेस्टर की फ़ोटो में एक अगर है तो थोड़ी घी से दिया जलाइए, हर दिन ना हो तो पर्टिकुलरली थर्सडे को दिन, अमावस्या के दिन हो सकता है, शनिवार के दिन। थैंक यू, मुझे अचानक से यही शब्द सुनाई दी, एंसेस्टर। ओके, लेट्स सी, थैंक यू ग्रुप नंबर थ्री, न्यू मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस।
आपके लिए मुझे ढेर सारे ब्लेसिंग्स नजर आ रहे हैं ग्रुप नंबर थ्री। थैंक यू। पॉसिबिलिटी, मुझे एक शब्द सुनाई दे रही है आपके लिए, पॉसिबिलिटी। किसी चीज़ के लिए आप सोच रहे कि होगा या नहीं, मुझे पॉसिबिलिटी शब्द सुनाई दे रही है, मतलब होने की चांस है, पॉसिबिलिटी है। ओके, देखते हैं। थैंक यू ग्रुप नंबर थ्री, न्यू मून गाइडेंस ब्लेसिंग्स। वन टाइम मून। आप किसी चीज़ पर एट ऑफ पेंटेकल्स, मतलब बहुत एफर्ट्स लगा रही हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर आपकी वर्क पे, बहुत एफर्ट्स, या फिर किसी चीज़ से बाहर आने की कोशिश कर रही है। एट ऑफ पेंटेकल्स मतलब लगातार कोशिश चल रही है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू ग्रुप नंबर थ्री, न्यू मून गाइडेंस। थैंक यू सो मच, न्यू मून गाइडेंस। ओके, थैंक यू। आप कुछ सडन, कुछ इंसिडेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सडनली ये डेक पूरे नीचे गिर गई। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर थ्री, देखते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, हैड द करेज टू बी फ्री। क्या फ्री होने के लिए वो करेज है, देखते हैं। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर थ्री, मैजिक प्रेयर नंबर 32। बट एक कार्ड रिवर्स में थी जब मैं कार्ड को देखी, नंबर 32, मैजिक प्रेयर। आपकी मैनिफेस्टेशन जैसे ब्लॉक नज़र आ रही है। लंबी टाइम से आप किसी चीज़ को मैजिक प्रेयर, मतलब आप बहुत कुछ कर रहे हैं, रिचुअल्स, यू नो, स्पेल, मतलब बहुत कुछ चल रही है बिहाइंड द कार्टन, बहुत सारे व्यूअर्स की ग्रुप नंबर थ्री में। बट सम हाउ मैजिक प्रेयर वो चीज़ें मैनिफेस्ट ही नहीं हो रही है। एंड जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके गले में एक ऐसी जगह पर कांटा फंस चुकी है एंड आपके हाथ पहुंच रही, बट समहा वो चीज़ें बाहर नहीं आ रही है। वैसे ही विश बहुत क्लोज है फुलफिलमेंट की, बट चीज़ें रुकी हुई है किसी कारणवश। मैजिक प्रेयर। बट एक चीज़ें मैं मानती हूँ यहाँ पर, कि प्रेयर में बहुत दम है। आपकी कोई भी चीज़, कोई किसी चीज़ के लिए आप ईश्वर के सामने जब गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, उससे बड़ी और कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि कहते हैं कि आंसू में भी वो शक्ति होती है ब्लॉकेज को रिमूव करने में। लोगों के सामने से रोने से अच्छा है कि आप ईश्वर के सामने जाकर रोए, आप जिस भी गॉड पर बिलीव करते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन एकदम ब्लॉक है ग्रुप नंबर थ्री एंड बहुत क्लोज आकर चीज़ें रुकी हुई है। मैं जैसे को बोल रही, कांटे बहुत हाथ में पहुँच रही वो कांटे, बट संभव वो इतना क्लोज नहीं है कि वो उठकर चले आए, मतलब गले से वो निकल कर चले आए। तो आई डोंट नो, मेरे शब्द भी यू नो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, आई डोंट नो। नेक्स्ट, दिस इज डाइस चांस। आपको चांस लेने के लिए कहा जा रहा है, रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। वन मोर विद दिस पावर एनर्जी। वो वाओ, आई लव दिस कार्ड। पावर लाइंस एंड एनर्जी का मतलब है कि ह्यूज एनर्जी फ्लो होने जा रही है। कोई चीज़ें, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइन, यू नो, आपकी मान लीजिए आपकी ऑरा के आसपास आ रही है, आपको उसको ग्रैब करना है। पावर लाइंस का मतलब एक अपॉर्चुनिटी भी है, बिकॉज अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे कि ये पास हो रही है लाइन, राइट, मतलब इस जगह से इस जगह पर आ रही है, इस जगह से इस जगह पर आ रही है। ऐसा नहीं कि एकदम से पहुँच रही, मतलब स्टेप बाय स्टेप आ रही है ताकि एनर्जी बैलेंस हो। एंड आई थिंक, मतलब जो आपको मिलने जा रही है, इट्स ए बिग ब्लेसिंग्स फॉर यू। स्टेप बाय स्टेप आपके पास आ रही है। थोड़ी ब्लॉकेजेस है, आपको चांस लेने के लिए कहा जा रहा है, कोई चीज़ों पर रिस्क उठाने के लिए कहा जा रही है। आगे बढ़िए, मूवमेंट की ज़रूरत है, फर्स्ट स्टेप्स की ज़रूरत है। देखते हैं, चेंज, दिस इज चांस से चेंज आएंगे। चांस लेने से लाइफ में चेंजेस आएंगे, जीवन को धक्का मारने के लिए कहा जा रही है। And with this love, okay, this is change and love. आपकी लव लाइफ में ब्लसिंग से चेंजेस आ रही है एंड आपने चूज़ भी की है। दिस इज़ एक्चुअली डीप ऑरेंज कलर, जो एक्चुअल में सैक्रल चक्र की बात करते हैं, राइट। सो सैक्रल चक्र सेक्शुअलिटी, इंटीमेसी, रिलेशनशिप, पैशन, क्रिएटिविटी से हम देखते हैं। एंड लुक एट दिस, इस यहाँ पर भी जो फ्लावर है, यहाँ पर एक ऑरेंज फ्लावर मुझे दिखाई दे रहा है, रोज़ है यहाँ पर। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर लव लाइफ, यू नो, वो जो फ्लावर है वो ब्लूजम हो रही है एंड लव लाइफ में बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग सारे। आप शुरुआती दौर में शायद बहुत ज़्यादा यू नो श्योर नहीं है, दैट्स वाई चांस कार्ड आई है। चांस लो, रिक्स उठाओ, ये लाइफ में चेंजेस लेकर आएंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते बहुत सडन आ रही है, बहुत टाइम नहीं लगेंगे। पावर लाइन्स, एनर्जी,
ओके देखते हैं, बट बाकी के लिए मैं यहाँ पर कहूँगी क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम से चीज़ें रुकी हुई हैं। आपके प्रेयर्स में वो दम है, भक्ति में वो शक्ति होती है कि ब्लॉकेज रिमूव हो जाए। बहुत कुछ ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं, आपकी भक्ति ही इनाफ है। दिस इज एस ऑफ शॉर्ट्स, किसी बात की चिंता नहीं है। ग्रुप नंबर थ्री, मुझे थोड़ी जैसे आप वांड से अट्रैक्टेड थे, एस ऑफ शॉर्ट्स, एस ऑफ शॉर्ट्स, शॉर्ट्स की ज़रूरत तब होती है जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कांटे हैं, क्योंकि आप काटने के लिए शॉर्ट्स उठाते हैं, प्यार करने के लिए शॉर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब लाइफ में ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही है, क्लियर कम्युनिकेशन आ रही है। मुझे बहुत एस ऑफ शॉर्ट्स को देखते हुए मुझे भाई साहब कि आपका कम्युनिकेशन की मतलब ढंग जो है बहुत बदल रही है। पहले जिस तरह से बातचीत करते थे आज मतलब धीरे धीरे वो कम्युनिकेशन की स्किल चेंज हो रही है। मतलब आप देखते हैं ना कुछ लोग गाली गलौज भी देते हैं बड़ी प्यार से, वो भी एक आर्ट है कम्युनिकेशन का, विद द जजमेंट एंड एस ऑफ शॉर्ट्स। बिल्कुल आप मतलब निश्चिंत हो जाए। ग्रुप नंबर थ्री, इट्स लाइक ए ह्यूज रिजरेक्शन रिबर्थ फॉर यू, एंड डेफिनेटली कम्युनिकेशन की भी बात होती है। एंड दैट्स वाई लुक एट दिस, मैं एक बार शुरू में बताई थी आपको कि मैजिक प्रेयर्स कार्ड रिवर्स में आई है। दैट्स वाई मुझे वाइफ्स आई कि प्रेयर्स फुलफिल नहीं हो रही है। जजमेंट कार्ड में सभी लोग मर चुके थे, मुर्दे में जान आना सडन। नेक्स्ट, विद दिस हैंग एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स, आई डोंट नो, मैं स्टेप बाय स्टेप कार्ड देख रही थी पर दोनों कार्ड मैंने एक साथ उठाई। दिस टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगड मैन, आपकी पॉज सस्पेंडेड मूवमेंट अब खत्म होने जा रही है। लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है, कुछ व्यूअर्स के लिए प्रॉस्पेरिटी रिगार्डिंग, अबंडेंस रिगार्डिंग बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रही है। फंसी हुई मनी किसी जगह पर मार्केट में फंस चुकी है, उस जगह पर भी मुझे लग रही है धीरे धीरे ब्लॉकेज रिमूव हो रही है। या फिर मान लीजिए आपका उधार है, आपको चुकाना है, बहुत टाइम से वो व्यक्ति मान नहीं रहे थे, मतलब आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा था, तो वो आप धीरे धीरे कन्विंस होंगे कि आप भाई आप देंगे, तो वो फिर थोड़ी आपको टाइम दे रही, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी मौका है। कुछ व्यूअर्स के लिए मैं बात करी हूँ यहाँ पर, बट टेन ऑफ पेंटिकल्स विद द जजमेंट मुझे स्ट्रांगली वाइव सारी मैन विद दिस एस ऑफ सॉर्ड 10-0-1 एंड हैंगड मैन 12th हाउस के बाद मतलब कंप्लीट हो गई, फाइनल हाउस है ये बात चार्ट की। सो लटकी हुई एनर्जी जो है धीरे धीरे आप रिमूव हो रही, मतलब स्टैग्नेंट पोजिशन से आप बाहर आ रही है। देखते हैं, थैंक यू फेलो ट्रैवलर्स, सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू, आप बस चलना शुरू कीजिए और देखिए कुदरत किस तरह से मदद करते हैं आपकी। थैंक यू नेक्स्ट, दिस इज यू आर एक्सपीरियंसिंग ए स्पिरिचुअल ब्लूजमिंग, ओ स्पिरिचुअल ब्लूजमिंग, टेक ए न्यू डायरेक्शन, बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, दैट्स वाई चांस, न्यू लोकेशन, नई डायरेक्शन, नई पर्सन। कुछ व्यूवर्स के लिए बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस, न्यू एनर्जी के लिए ओपन हो जाइए, बिकॉज यहाँ पर एक क्लिनजिंग प्रोसेस चल रही है। कोई पास्ट एनर्जी को मतलब क्लीन कर एक जैसे कोई लड़की नहा रही है, ये मतलब क्या है, प्यूरिफिकेशन रेक्टिफिकेशन हो रही है, मतलब एनर्जी वैम्पायर्स क्लियर हो रही है। बट इट इज़ अ न्यू डायरेक्शन, टेक ए न्यू डायरेक्शन, नई पाथ लो एंड बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, एंड जो लाइफ में चेंजेस लेकर आएंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए न्यू लव दिखाई दे रही है विद दिस एस ऑफ शॉर्ट्स विद दिस टेन ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली रिगार्डिंग मैरिज रिगार्डिंग हो सकती है। देखते हैं आपके लिए फाइनल स्प्रिट के मैसेजेस, स्प्रिट मैसेजेस फॉर यू। एंड जब मैं स्प्रिट मैसेजेस देखने गई, कैमरा में डिस्टर्ब हो रही थी तो मैं कैमरा बंद की, फिर से स्टार्ट की, तो यहाँ पर देखिए ब्लॉकेज तो है। ओके लेट्स सी, ओके मैं बता देती हूँ इस सेक्शन में स्प्रिट की कुछ डायरेक्ट मैसेज है, यहाँ पर रिचुअल्स है एंड एंड में न्यू मून ब्लेसिंग्स है। ओके मैं पढ़ती हूँ यहाँ पर, टेक योर लाइफ एंड एंजॉय इट, यू आर अलाइव, यू आर बॉर्न विद द राइट टू बी हैप्पी, टू लव एंड टू शेयर योर लव। मतलब आप एवरी मोमेंट को एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ की स्टीयरिंग अपने हाथ में रखिए, दूसरे पर्सन को उसके हाथ में मत दीजिए। अपना डिसीशन, लाइफ का डिसीशन इंट्यूटिवली खुद आप चूज़ करें, आप डिसीशन लीजिए। एंड आपको कहा जा रहा है यू आर बॉर्न विद द राइट टू बी हैप्पी, आप खुश रहेंगे, आपकी सराउंडिंग में जो लव आएंगे वो आपको प्यार करेंगे, वो रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी थॉट पैटर्न को भी वो रिस्पेक्ट करेंगे। कम्युनिकेट विद क्लैरिटी, दैट्स वाई मैं ये बोल रही थी ये सब शॉर्ट्स को देखकर, कि जब आप किसी पर्सन के साथ बातचीत करते हैं, अगर आप सही ढंग से बात करते हैं तो सामने वाले के साथ कभी भी मिस कम्युनिकेशन होता नहीं, वो सामने वाला भी उसी अकॉर्डिंग आपके साथ बातचीत करता है। जितनी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है बहुत हद तक देखा जाता है कि कम्युनिकेशन में दिक्कत होते हैं, क्लियरली हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ी आपकी थ्रॉट चकरा, आपकी कम्युनिकेशन पर ध्यान देना थोड़ी और ज़रूरत है। स्पीक ओपनली एंड ऑनेस्टली, जो मन में है वो ज़ुबान में है, एंड जो भी है सच्चाई के साथ। एक कोशिश करें ग्रुप नंबर थ्री, जो सच्चाई की राह पर होते हैं
कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होती है, वो लाइफ में थोड़ी दो कदम अगर पीछे भी आते हैं तो याद रखें एक टाइम में ऐसा भी आएंगे कि वो एक साथ 20 कदम चले जाएंगे। ओके, देखते हैं रिचुअल्स, बर्निंग बाउल्स रिचुअल्स, फीड क्रो, क्रो को खाना खिलाइए। ओके, मैं यहाँ पर एक मंत्र हनुमान चालीसा, बट ये सभी के लिए नहीं है, मैं जानती हूँ। आप जो भी मंत्र आप काम कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम में, आप उसी को कीजिए, बट यहाँ पर मुझे थोड़ी सबकॉन्शियस, क्योंकि मैं जो लिखी हूँ सबकॉन्शियस माइंड से, तो हनुमान चालीसा मुझे ये शब्द सुनाई दी थी, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर लिखी थी। मेडिटेशन, कंट्रोल योर एंगर, चाहे वो एंगर इशू हो, आपकी आप गुस्सा हो जाते बहुत जल्दी, बहुत इमोशनल हो जाते, जस्ट कंट्रोल दिस। थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचे। ब्यूटी रिचुअल्स नज़र आ रही है, स्पा, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, मसाज थेरापी, वॉट एवर, थोड़ी ब्यूटी रिचुअल स्पा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। एंड मेन जो ब्लेसिंग्स है, डेट, किसी के साथ डेट, मीटिंग, कैंडल लाइट डिनर, विजिटर्स, ये शब्द यहाँ पर है, विजिटर्स, मीटिंग, इन्वेस्टर्स, कुछ व्यूअर्स के लिए, रिकवरी एंड लव। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस यू।